सत संगता संगिया टूट जा सन मलकल मौत जदू फेरा पाव सीए आज असा सुख सिरा कर सड़कन सहने ना ऐलान होने उन्हें कदा ये फलाना फौत हो गया इतने बजे जनाजा वो फौत हो गया इतने बजे जनाजा आ ते आवाज दी थी ओ मेरे बेलिया तेरी मौत देखे ही अलाम ओ सन हर कोई गवा वाले लोहे गाव सी दुनिया दे कई रूप ते चले वे केड़े के तेरा वैरी भी तेरे सराने खल के रस्में हर कोई अपनी वफा दा जिक्र करसी इको लफ्ज कई वार दोहरावसी ते मेरे बेलिया पूरिया उम्र दी जो तू कमाई की थी ना दो दालो कबर तक जावसी क्यों ये सदी पार मिट्टी जासन हो साल बाद तो फातिया लावसी दादी हिंद मिट जासी दीवा पत्ती ना कोई चलावसी दशाना वाले खेदा कर याद रखिया मौत ना मौत शाम बतावसी मैं मरहूम चौधरी जावेद आप सहसा कोटरे ना तलक सा बड़ा आसानी मोहब्बत आली रूह सी फ्रूट की दुकान सी सहसा रोड पर जामी सा इधर आन जान आना गुजरान आनी सी असा उत बिल्कुल स्टे करने से बड़िया मुहब्बत ना उसना इजहार सा ते वो भी कुछ अरसा पहले दुनिया छोड़ी गया अल्लाह ताला उसने भी जवारे रहमत उसकी जगह अता फरमाए शफकत इंजीनियर साहब और राजा इकराम साहब बटोर ना तलके उन्होंने और अनीस अनीस ना सा साढ़े एक बुजुर्ग असा की मिले हुसैन मोहम्मद साहब ते उन्होंने जवान बेटा अनीस जो दुनिया छोड़ी गया तो हूँ भी कुछ अरसा हो गया दुनिया छोड़े लेकिन जिस वाले बेटे ने उन्हें जिक्र किया दिहाड़ी मारना तो उन्होंने आखा आशकबार सी उन्हें आख्या हूँ इस तू बाद मैं जीन ना मजा नहीं रहा तो दुआ करने कि अल्लाह पाक औलाद न दुख वाल दैन की ना दसै ये बड़ा डाटा है इतना बर्दाश्त होना ये अजीजा चिट्ठी दी मैं एक ही बैंक पढ़सा सिर्फ इन्ह सारे ने आदरी लवासा मरहूम पाइए इन्होंने चौधरी इसाक साहब चौधरी शफाक साहब इन्ह फरमाइश करने वालिया चौधरी अब्बास साहब चौधरी खिलाफ चौधरी विकास चौधरी नबील खिलाफ खुरम अब्बास खयाम अब्बास सुबहान अब्बास दाऊद और शहर इन्ना नी फरमाइश है तो मरहूम चौधरी इसाक और चौधरी इशफाक ने याद ही तो चौधरी जावेद आप सहसा ते पापू शाह साहब इन सारे ने याद ही मुतफरक जामे कि बैंत पढ़ने के बाद इजाजत के साल भेज आए बोल आखिर इजाजत चाहिए किस बेला
ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰਾ ਬੜੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਨਾ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਸਭ ਕੀ ਯਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹਾਂ ਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਛੇੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੇ ਫਾਰੂਕ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜੀ ਛੱਡਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜੀ ਅੱਛੋ ਕੋਈ ਅੱਠ ਪਰ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਹੀ ਸਕਣਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ 15 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਗੈਸਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗੱਛਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅੱਛੋ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 6 ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ 7 ਮਾਰਚ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਉਹ ਛੋੜੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਨਿਭਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਦਾਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ